धरा के मोती एक प्रयास है चुन चुन के इस धरती के मोती आपके सामने लाकर रखने का। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले आए हैं अपने गुरुदेव के पास, जिनसे हमने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। आज हम अपने गुरुदेव के दर्शन करवाएंगे आपको। सात समंदर मसी करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरु गुन कहा ना जाए। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। इस संसार में गुरु के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस शिक्षक दिवस पे, इस टीचर डे पर हमने एक नया उपक्रम शुरू किया कि हम अपने गुरुजनों के पास जाएं, उनसे मिलें, उनका कुशल क्षेम जानें, उनके स्वास्थ्य के बारे में समझें, उनसे बात करें, अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो अपने ऊपर गर्व महसूस कर सकें कि आज उनके शिष्य उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो आज मैं अपने गुरुजी, जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव नीमूचाणा में हमारे शिक्षक थे और हमने उनसे संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, तो आज हम उनके चरणों में आए हैं यहाँ दिल्ली में। 87 वर्ष की आयु गुरुजी की हो चुकी है और ईश्वर करे कि वो शतायु को प्राप्त हों और ऐसे ही हमें अपने आशीष सब तक पहुंचाते रहें। सबसे पहले तो मालिक की दया बनी रहे, मेरे तरफ से यही आपको आशीर्वाद है, और मालिक सदा खुश रखे, तरक्की दे और स्वस्थ रखे। और सुमार्ग पर चलो, कुमार्ग को त्यागो, कुसंगति से दूर रहो। और सत्संग का मतलब जो सत्य चीज है उसको ग्रहण करो, असत्य को मत ग्रहण करो। ये मेरा आपसे कहना है और मेरी सदा शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। और तो क्या कहें, मिलने पर ही कभी जो है बातचीत हो सकती है। धन्यवाद धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आप सबको पसंद आया होगा। निश्चित रूप से आज यहाँ पर आने के बाद मैं, मेरे साथ मेरा बेटा और साथ में राजन, हम तीनों यहाँ पहुँचे और बहुत 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 अच्छा लगा। और असीम कृपा है गुरुजी की जो आज हम इतना बेहतरीन जीवन जी पा रहे हैं। ऐसी शिक्षा के द्वारा ही हम अपने जीवन को यहाँ तक सार्थक कर पाए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी इसी तरीके से जाएं, अपने गुरुजन से मिलें, उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।